अस्सलामु अलैकुम। आवाज़ की आज़ादी न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। आइए जानते हैं आज की टॉप 10 खबरें। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली, भागवत केंद्र एनसीबी पर साधा निशाना, जानबूझकर हस्तियों को निशाना बनाने का आरोप। आईपीएल 2021 चेन्नई सुपर किंग चौथी बार बनी चैंपियन। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मूर्ति विसर्जन करने जा रहे लोगों को तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया, वीडियो देख सकते हैं। पंजाब का सियासी घमासान, इस्तीफा वापस लेंगे सिद्धू। राहुल से मुलाकात के बाद हरीश रावत का बड़ा बयान। तब्दीली मजहब मुस्लिम उलमा के बाद अब पादरी ईसाइयों की गिरफ्तारी। सालगिरह मनाने के लिए एक शख्स ने 3 मिनट के अंदर 550 केक काट दिए, वीडियो देख सकते हैं। महकमे अकलियती तरक्यात के हॉस्टल में तलबा को खाने के लिए नकदर रकम मिलेगी, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, नवाब मलिक। नांदेड़ बीजेपी के प्रदेश नायब सदर भास्कर राव पाटिल खदगांवकर कांग्रेस की राह पर। 10 बरस में पहली बार दुनिया में टीबी बीमारी होने वाली अमवात बढ़ गई। अफगानिस्तान के कंधार इमाम बारगाह में नमाज जुमा के दौरान बम धमाका, जिसमें 32 अफराद हलाक, 53 जख्मी। अभी तक आपने आवाज़ की आज़ादी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।